भारतीय टीम 6 दिसंबर से एडिलेड ओवल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना पहला टेस्ट मैच खेलने के लिए तैयार है। मेजबान टीम अपने सबसे अनुभवी खिलाड़ियों डेविड वॉर्न और स्टीव स्मिथ के बिना ही मैदान पर उतरेगी। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया धरती पर ऑस्ट्रेलिया को हराने के लिए भारतीय टीम के लिए सीरीज सुनहरा अवसर होगा। लेकिन आज हम आपको 5 ऐसे कारण बताएंगे जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज हार भी सकती है टीम इंडिया। नंबर 1, विदेशी स्पिनरों के आगे नाकाम। भारतीय बल्लेबाज विदेशी स्पिनरों से निपटने में नाकाम रहे हैं। ये पहला और सबसे बड़ा कारण है कि भारत एक विदेशी टेस्ट सीरीज जीतने में नाकाम रही है। इंग्लैंड में भी आखिरी टेस्ट सीरीज में भी मोइन अली जैसे ऑफ स्पिनर ने भारतीय बल्लेबाजी लाइनअप को पूरी तरह से बिखेर कर रख दिया था और यही समस्या ऑस्ट्रेलिया में भी गहरा सकती है। नंबर 2, हार्दिक पांड्या की गैर मौजूदगी। हार्दिक पांड्या भारतीय क्रिकेट टीम में एक ऑलराउंडर की भूमिका निभाते हैं। ऐसे में हार्दिक पांड्या के कंधों पर काफी जोरदार दबाव आ जाता है। हालांकि ये बात कुछ हद तक सही साबित होने लगी है क्योंकि हार्दिक पांड्या टीम से बाहर रहे तो टीम में ऑलराउंडर की जगह खाली हो जाती है। वहीं हार्दिक पांड्या की अनुपस्थिति भारत को नुकसान पहुंचा सकती है। नंबर 3, अनुभवहीन विकेट कीपर। रिद्धिमान शाह जो महेंद्र सिंह धोनी के बाद टीम के टेस्ट विकेट कीपर थे, चोटिल होने के कारण टीम में शामिल नहीं हो पाए। लेकिन मौजूदा भारतीय टीम को देखते हुए ऐसा लगता है कि ऋषभ पंत पहले टेस्ट में विकेट कीपिंग करेंगे। ऑस्ट्रेलिया पिचों को गति और उछाल की अधिक मात्रा के लिए जाना जाता है और जहां पंत के विकेट कीपिंग कौशल का परीक्षण किया जाएगा। ऐसे में कोई संदेह नहीं है कि पंत सर्वश्रेष्ठ भारतीय बल्लेबाजों में से एक हैं, जो विकेट कीपर का काम भी कर सकते हैं। लेकिन विदेशों में टेस्ट जीतने के लिए भारतीय टीम को विकेट कीपर की जरूरत होती है जो अच्छी बल्लेबाजी कर सकता है, ना कि बल्लेबाज जो विकेट कीपिंग कर सकता है। नंबर 4, निचले बल्लेबाजों की कमजोर कड़ी। निचला बल्लेबाजी क्रम भारत का काफी खराब है। ऑस्ट्रेलिया में खेली गई पिछली भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया सीरीज के आंकड़ों की बात की जाए तो मिशेल स्टार्क की बल्लेबाजी औसत 52 थे। वहीं मिचेल जॉनसन ने पूरी सीरीज में माइकल क्लार्क से केवल 2 रन कम बनाए थे। भारतीय गेंदबाज अच्छी बल्लेबाजी करते हुए कम ही दिखाई देते हैं, लेकिन जब विपक्ष की निचली बल्लेबाजी की बात आती है तो भारतीय गेंदबाज उनके आगे पूरी तरह विफल हो जाते हैं। विपक्ष के निचले बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों के आगे रन स्कोर करते रहते हैं और टीम इंडिया के गेंदबाजों के पसीने छुड़ा देते हैं। और नंबर 5, भारतीय बल्लेबाजी क्रम। इस बात पर फिलहाल खुलासा नहीं हो सका कि एडिलेड में भारत के लिए पारी की शुरुआत कौन करेगा। भारतीय टीम में पृथ्वी शो, मुरली विजय, केएल राहुल और रोहित शर्मा संभावित सलामी बल्लेबाज हैं। हालांकि पृथ्वी शो चोटिल होने के कारण शायद पहले टेस्ट मैच में शामिल ना हो सके और मुरली विजय को उनकी जगह मौका दिया जाए। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि रोहित को टीम में जगह दी जाएगी या हनुमा विहारी अपना दूसरा टेस्ट मैच खेलेंगे। तो ये थे वो 5 कारण जो भारतीय टीम पर काफी हावी होने वाले हैं। आप भी इस खबर पर अपनी राय जरूर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल हेडलाइंस स्पोर्ट्स को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।